के पैन आधार कार्ड से गुपचुप तरीके से बहुत सारी कंपनियां खोल चुका है। 6 लाख लोगों को पता भी नहीं चला और 15,000 करोड़ रुपए का चूना कैसे लग गया, देखिए। क्या आपको पता है आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से देश भर में कितनी कंपनियां चल रही हैं? आप कहेंगे बॉस यहां अपना घर ढंग से नहीं चल पा रहा है, यहां मेरे नाम से कंपनी कैसे चलेगी। 6 लाख लोग इसी भ्रम में थे जिनके साथ धोखा हो गया, और वो भी वो कंपनियां जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रही हैं, आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से चल रही हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कभी किसी को अपना पैन कार्ड नहीं दिया, कभी आधार कार्ड के बारे में पाया नहीं, फिर आपके नाम से कंपनियां कैसे खुल सकती हैं? आपने तो कोई कंपनी खोली नहीं, किसी ने आके आपसे डील नहीं की, क्या हो यार चलते हैं कंपनी खोलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, सुनिए। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके पिछले 5 साल से कंपनियां चला रहे थे। इस गैंग ने 6 लाख से ज्यादा लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया और इससे 2,260 जीएसटी फॉर्म तैयार कर दी। इस गैंग में ज्यादातर लोग सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट निकले, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, बहुत पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग हैं। बहुत दिमाग लगाया इस फर्जीवाड़े को करने में। इस गैंग के लोगों ने फर्जी कंपनियों से सरकार को करीब 15,000 करोड़ रुपए की जीएसटी का फ्रॉड किया सरकार के साथ। 15,000 करोड़। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और अभी 12 से ज्यादा लोग फरार हैं। इसमें भी ज्यादातर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फरार हैं। पहले आपको इस गैंग के फ्रॉड के बारे में बताता हूं कि ये कैसे काम करता था, कैसे लोगों को पता भी नहीं चला और उनके पैन कार्ड से कंपनियां खोल ले रहा था। सुनिए, पहले गैंग ने 2 टीमें बनाई हुई थी। इसमें पहली टीम लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल इकट्ठा करती थी। ये डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगहों के लिए जाते से लिए जाते थे। इनमें मजदूरी करने वाले लोगों को कुछ पैसा देकर उनसे आधार कार्ड ले लिया जाता था। इसके अलावा कई बार आप बैंक के किसी काम के लिए, सिम लेने के लिए या दूसरे जरूरी काम के लिए अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ऐसे दे देते हैं कि लो रख लो। ये लोग फर्जीवाड़े तरीके का इस्तेमाल करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लेते थे। इसके बाद इस गैंग की पहली टीम आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराती थी, जीएसटी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराती थी और अपनी दूसरी टीम को बेच देती थी। दूसरी टीम फर्जी कंपनी और जीएसटी नंबर से फर्जी बिल बनाते थे और सरकार से जीएसटी रिफंड क्लेम करते थे। इसे टेक्निकल भाषा में ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। यानी होता क्या है, जीएसटी के सिस्टम में क्या है, हर चीज कहां से एक सामान में पैसा लगा और वो होते होते कहां तक पहुंचा, उसका पैसा रिफंड जाता है जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग में चीजों का इस्तेमाल किया गया खरीदने में। जैसे मान लीजिए मैंने 10 रुपए का सामान खरीदा और उसमें 2 रुपए का टैक्स भर दिया और मेरी एक कंपनी है, कल को जब मैं उस कंपनी का टैक्स भरने जाऊंगा और मुझे 5 रुपए का टैक्स भरना है, तो मैंने जो 2 रुपए का टैक्स ऑलरेडी भर रखा है, मैं कह सकता हूं कि भैया वो 2 रुपया मैंने उधर भरा था, इधर 5 भरना है, मतलब मैं 3 ही रुपए और भरूंगा, वो सरकार की तरफ से वापस मिल जाता है, इन क्रेडिट कहते हैं उसको। ये लोग वही खेल कर रहे थे, फर्जी कंपनी बना बना के इनपुट क्रेडिट ले रहे थे। दरअसल जिन कंपनियों के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है उन्हें सरकार रियायत के तौर पर कुछ छूट देती है। मान लीजिए कंपनी मोबाइल खरीदती है कोई कंपनी, तो उस पर 18% जीएसटी चुकाना पड़ता है, लेकिन बाद में ये 18% जीएसटी क्लेम करने पर कंपनी को रियायत के तौर पर वो वापस मिल जाती है। इस गैंग ने अपनी 2000 से ज्यादा कंपनियों में फर्जी बिल बनाए और जीएसटी रिफंड क्लेम के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं ये 15,000 करोड़ है, कुछ जगहों पर क्लेम किया जा रहा है ये 10,000 करोड़, लेकिन हजारों करोड़ का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपका क्या नुकसान है, क्योंकि आपकी जेब से तो पैसा गया नहीं, सरकार का नुकसान हुआ आप कहेंगे, करोड़ों की चपत तो देश को लगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं क्योंकि स्कैम में आपके जैसे सामान्य लोगों के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ। इसमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आप सही समय पर अपने आधार कार्ड और पैन के कार्ड के गलत इस्तेमाल की शिकायत कर देते हैं तो आप इस मुसीबत से बच सकते हैं। इसके बारे में सुनिए कैसे करना है। इसके अलावा पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल से आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, मतलब किसी फर्जी लोन के मामले में आप फंस सकते हैं। आपके पैन और आधार कार्ड पर लोन किसी और ने उठाया
चुकाया नहीं, इससे आपका सिविल खराब हो जाएगा और कल को आप मुसीबत में पड़े रहेंगे और लोन लेने जाएंगे तो बैंक कहेंगे तुम तो लोन ही नहीं चुकाते हो, जाओ यहां से। आप कहेंगे मैंने लोन कौन सा लिया, कहेंगे ये देखो तुम्हारा पैन कार्ड आधार कार्ड इस पे तो लोन लिए हो तुम, तब आपकी बत्ती जलेगी, तब तक बहुत देर हो चुका हो। इसलिए बत्ती आज जलाइए पाठशाला में, ये देखिए इस स्कैम के बाद आपको चिंता हो रही होगी ना कि कहीं आपका आधार और पैन कार्ड तो इस्तेमाल नहीं हुआ। अब पता कैसे चलेगा कि आपका पैन और आधार गलत लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा है, क्योंकि इस गैंग के लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है। अब 6 लाख में तो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको कुछ पहले टिप्स देता हूं। सबसे पहले आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना है आपको। यहां पर आपको आधार सर्विसेज में दी गई आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड को दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार से लिंक रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इसको आपको डालकर सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको यह पता चलेगा कि आपके आधार कार्ड का कहां कहां इस्तेमाल हुआ है। अगर यहां किसी और का नंबर अटैच किया हुआ है तो आप अपने आसपास के आधार सेंटर पर जाइए, अपना नंबर चेंज करवा सकते हैं। 2 से 7 दिन का समय लगेगा, इससे आपका आधार कार्ड सेफ हो जाएगा। तो तुरंत पाठशाला के बाद ये काम कर लीजिएगा, नहीं तो कल सुबह सुबह कर लीजिए, चेक कीजिए आपका आधार कार्ड तो यूज नहीं हो गया कहीं गलत जगह। इसके अलावा अगर आपका पैन कार्ड गलत काम में यूज हो रहा है तो आपको जेल भी हो सकती है। ऐसे में इससे पहले ही आपको यह पता लगाना होगा कि आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल आपके अलावा कौन कर रहा है, क्योंकि वो उधर से सरकार के लोग आएंगे कहेंगे तुमने गलत किया है, तब आप कहेगा अरे नहीं हजूर हम नहीं थे, तब तो नहीं सुनेगा। तो पहले ही आपको जाके बताना है कि बॉस हमारे साथ गलत हो गया है, तो कहेगा हाँ ये ईमानदार आदमी लग रहा है, ये तो खुद ही आया है। तो ये कैसे पता चलेगा आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, इसे चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपना क्रेडिट या सिविल स्कोर चेक कीजिए। इसे आप अलग अलग वेबसाइट्स के जरिए चेक कर सकते हैं, ये आमतौर पर फ्री होता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स डिटेल्ड क्रेडिट स्कोर के लिए 300-400 रुपया भी ले लेती हैं। इसमें कुछ डिटेल मांगी जाती है जैसे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पैन कार्ड। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे एंटर करने के बाद आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। यहां आपको पता चलेगा कि आपके नाम पर क्या क्या चल रहा है, मतलब किसी ने फर्जी कंपनी बनाई है उधर कुछ झोल कर रहा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैंने तो कोई लोन नहीं लिया, कोई गड़बड़ी नहीं की, फिर भी मेरा स्कोर खराब आ रहा है, तो मतलब कोई खेल खराब कर रहा है मेरा। अब जब आपको यह पता चले कि कोई आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आपको बैठना नहीं है, इसकी शिकायत सरकारी वेबसाइट पर करनी है। इसके लिए वेबसाइट जो है वो है TIN NSDL कर सकते हैं। इसमें आप कस्टमर केयर सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी थोड़ा सा जागिएगा तो जेल में सोने से बच जाइएगा। लेकिन कुछ अपराधी जो होते हैं उनका तो लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, यही थोड़ी अपराधी हैं जिन्होंने आपको या आप जैसे कई